ओके दोस्तों, तो आज मैं हो गया हूँ रेडी और जाने वाला हूँ लोहगढ़ फोर्ट। आज मेरा ट्रेकिंग है लोहगढ़ फोर्ट का। चलिए मैं आज का सफ़र यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके पहले मैं हो जाता हूँ खटाक से रेडी। अभी मेरा कंघे बस नहीं हुआ है, बाकी मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ जैसे कि आप देख पाएंगे। चलिए रेडी जाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं हो गया हूँ रेडी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेकिंग स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है और क्या क्या चीज़ें हमें अपने साथ में रखनी चाहिए। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 5 चॉकलेट्स, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन मुझे मिलेगा और एनर्जी भी मुझे मिलेगी ट्रेकिंग के टाइम पे। आपको एटलीस्ट एक बॉटल पानी रखना ही रखना है। एक बॉटल कम से कम रखें 1 लीटर का, या फिर एटलीस्ट 2 लीटर तो आप पानी रखें। और उसके अलावा आपको यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ मैं यहाँ पे ले जाने वाला हूँ आज अपने ट्रैकिंग ट्रिप पे, वो होंगे ये सारे इक्विपमेंट्स, जैसे ये है मेरे लेंस, मोबाइल के लिए लेंस किट। उसके अलावा आप यहाँ पे बैटरी का चार्जर देख सकते हैं। ये है हमारे एक्शन कैमरा जो मैं अभी जिससे शूट कर रहा हूँ, उसके लिए मैं ये चार्जर लेकर जा रहा हूँ। और यहाँ पे हैं कुछ केबल्स, और ये है मेरा हैंड स्ट्रैप, और ये है मेरा सेल्फी स्टिक, ये है पावर बैंक, ये है हेड माउंट, ये है एक्स्ट्रा केबल्स, ये है वाटर केसिंग, और ये है हमारा फ़ोन के लिए वाटर केस पाउच बैग, और ये है हमारे कैमरे के इक्विपमेंट्स के लिए कुछ और पॉलीबैग्स, और ये है हमारा चेस्ट माउंट, और ये है मेरा मेन निकन का B700 जो कि है एक SLR कैमरा, तो इससे मैं काफ़ी सारा शूटिंग भी करने वाला हूँ। और इनके अलावा आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना है, वो होगा आपके वेयरिंग गियर्स जो आप बाइक राइडिंग के दौरान पहनेंगे। जैसे कि मैं एक ग्लव्स पहनने वाला हूँ बाइक राइडिंग के दौरान, और उसके अलावा मेरे पास है ये जैकेट, ये एक लेदर जैकेट है। वैसे तो ये सिंथेटिक लेदर है, ये नेचुरल लेदर नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप किसी जानवर को नहीं मार रहे हैं इसके लिए। तो ये मैं जैकेट पहनने वाला हूँ, तो चलिए मैं खटाक से इसे पहन लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और दोस्तों अब मैं हो गया हूँ रेडी, जैसे कि आप देखते हैं मैंने जैकेट पहन लिया है, और मैं यहाँ पे सारे जो इक्विपमेंट्स अपने उसको अपने इस बैग में डालने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये है मेरा बैग जिसके अंदर में है एक रेनकोट, का आपको हमेशा ख्याल रखना है वो है कि ऐसे जगह पे जो कि एक ट्रेकिंग का इलाका है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपको हमेशा अपने साथ में रखना होगा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है हमारा छाता या फिर अम्ब्रेला, तो इसे आप रखना ना भूलें। तो चलिए मैं इसे भी रख लेता हूँ अंदर कहीं पर। तो दोस्तों ये हो गया है मेरा बैकपैक आज के ट्रेकिंग के लिए, और यहाँ पर मैं रखने जा रहा हूँ इस बॉटल को, तो इसे भी मैं साइड में रख देता हूँ प्रॉपरली, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है पूरे ट्रिप पर। शूज़ पहने, चप्पल ना पहने या सैंडल ना पहने, आपको हवा की जरूरत पड़ेगी तो आप वहाँ पे शूज़ को निकाल लीजिएगा। लेकिन अभी कैमरे को डालने वाला हूँ इस वाटर केसिंग के अंदर में।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट आपका लोहागर फोर्ट के पास में, लेकिन यहाँ पे एक है ये वाटरफॉल छोटा सा, ये काफ़ी अच्छा है इसलिए मैं इसके पास में जा रहा हूँ, इसलिए चलते हैं इसके पास में। दोस्तों ये वाटरफॉल काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी, बहुत ही छोटी हाइट है लेकिन काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे आते हैं और खासकर मानसून के सीजन में तो आपको ऐसे कई सारे वाटरफॉल देखने को मिल जाएंगे, वही इसी से आते हैं। दोस्तों ये है लोहागड़ फोर्ट के आसपास का इलाका जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बादल आ चुका है। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, फोर्ट जो है ऑलमोस्ट उधर पे है। तो यहाँ पे और एक फोर्ट है दूसरा वाला जो कि बीसापुर फोर्ट है। तो आज का जो दिन है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। फिलहाल चलिए देखते हैं, कुछ शूट्स करते हैं इधर पर और बढ़ते हैं आगे हम लोग किले की तरफ। On your own, got me 10 feet off the ground. एक्शन कैमरा है एस जे कैम S6 लेजेंड जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये हो गई बात कि किसकी बैटरी हो गई ख़त्म और मैं अब जा रहा हूँ इसे चार्जिंग में लगाने। तब तक हम करते हैं यहाँ पे कुछ सैर सपाटे और देखते हैं इस जगह की खूबसूरती को। बीसापुर का फोर्ट है यहाँ पे, जैसे कि मुझे बताया जा रहा था कि इस साइड आपका पड़ता है लोहागड़ फोर्ट और इधर साइड का पड़ता है, लेकिन ये जो लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है। बीच बीच में प्लेटोज हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पे आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं अगर आप अपने दोस्तों के साथ। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप अपने दोस्त के साथ में अगर आते हैं या फैमिली के साथ में आते हैं तो यहाँ पे जरूर रुकिए कुछ देर के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एक पहाड़ और दूसरा पे यहाँ पे एक पहाड़ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता है वो आपको। तो ये है दूसरा पहाड़, लोहागड़ फोर्ट है वहाँ पे, और ये जो दूसरा पहाड़ जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ से देखने में। और यहाँ पे आपको लोकेशन वगैरह भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बना हुआ है छोटा सा घर और यहाँ पे होटल्स हैं, रूम्स हैं। तो नीचे में हैं कुछ ऐसी नहरें टाइप की, अगर वहाँ पे आप देखें तो वहाँ पे आपको कुछ बादल दिखाई देंगे जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे बारिश होने वाली है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ कचड़े वगैरह भी हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ पे एक है बॉक्स, तो इस बॉक्स में मैं इनको डाल देता हूँ। ये गया हमारा बियर का बॉटल, ये गया हमारा नॉर्मल बॉटल और ये है पानी का बॉटल। तो इस वजह से एक तरीके से आप यहाँ पे कुछ तो हेल्प कर सकते हैं इन्वायरमेंट को साफ़ करने में, जैसे कि यहाँ पे आपको चिप्स के पैकेट्स दिख जाएंगे तो आप इन्हें साफ़ करके यहाँ पे रख सकते हैं ताकि जब भी कोई साफ़ करने आए तो वहाँ पे आपके लिए और दूसरे के लिए काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट मिले और वहाँ पे आप काफ़ी अच्छे तरीके से मज़े कर पाएँ। अगर आप आते हैं इस जगह पे तो आप आइएगा मानसून के टाइम पे, क्योंकि मानसून में ये जो लोकेशन है इतने जो अच्छे आपको यहाँ पे सीनरीज वगैरह देखने को मिल रहे हैं वो आपको मानसून के टाइम पे ही देखने को मिलेगा। बाकी टाइम में जो है ये सब सीनरी वगैरह आपको अच्छे से देखने को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे मानसून का ही ऐसा सीज़न होता है जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा लश करती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो करती है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मौसम देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट लोहागढ़ फोर्ट के पास में और यहाँ पे रुका हूँ अभी फिलहाल एक छोटे से होटल में, यहाँ पे मुझे काफ़ी बना के दे रही है पोहा और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा पोहा बनने वाला है। काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, बारिश होने रही, लेकिन हवा थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं पत्ते वगैरह हिल रहे हैं। और मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए रुका हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगा सीधे लोहागढ़ फोर्ट पे, आपको मिलूँगा।
जगह पे आते हैं लोहगर फोर्ट में, तो आप इनके दुकान में जरूर आइएगा। यहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा श्री हनुमान प्रसन्न, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को और खाने को मिल जाएगा। और ये हैं काकी जी जो आपको काफ़ी कुछ फ्रेश बना कर देंगे यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पोहा। दोस्तों ये है वो रास्ता लोहगर फोर्ट का, और ये है पार्किंग की एरिया। और यहाँ पे अगर आप देखें लोहगर फोर्ट का बोर्ड देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से करने वाला हूँ मैं चढ़ाई, 6-7 दोस्तों काफ़ी गर्मी का माहौल, मतलब ह्यूमिडिटी काफ़ी है, लेकिन मौसम भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको काफ़ी लोग दिख जाएंगे, वैसे तो ये आज फ्राइडे का दिन है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग देखने को मिल जाएंगे। बाईस से 25 चिड़ियाँ, ये हैं हमारे छोटे बंदर, काफ़ी सारे बंदर देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है यार यहाँ पे, बड़े बड़े हैं ये सीढ़ियाँ हैं, अप्रॉक्सीमेटली मैंने क्रॉस किया 80 सीढ़ियाँ। फाइनली ये रहा गणेश दरवाजा, ये वो मेन गेट लोहगर फोर्ट का। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी का ये सीढ़ियों में चढ़ना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट हाफ वे आ चुके हैं लोहगर फोर्ट में, काफ़ी थकाने वाला एक्सपीरियंस है यार, अभी और ऊपर जाना है उधर तक, ऐसे ही काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, बंदे से आधा पड़ा बीच में, कोई बात नहीं चलते। भैया भी और कितना देर दूर है, पूरा प्लेन है, चलो। हाँ अच्छा ओके, यही है ना अपना लोहगर फोर्ट। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ लोहगर फोर्ट में, और मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा पसीना है,
और यहाँ पे कुछ बोर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे सारे बोर्ड्स हैं। दरगाह लग रहा है ये, और घर के ऊपर जाने के लिए रास्ता, और ये बोर्ड्स लिखा है कहाँ पे क्या है। और ये है मेरे नए फ्रेंड्स, मुंबई से आए हैं।